अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, स्कूल मैगजीन, स्कूल हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट अ मैगजीन एवरी क्वार्टर ऑफ द ईयर। एक स्कूल क्या करता है, एक स्कूल की मैगजीन को क्या करता है, छापता है। हमारे स्कूल में भी एक मैगजीन आती है, क्या नाम है उसका, मैगजीन का नाम हैप्पी स्कूल, हैप्पी स्कूल, ठीक है। अब वो हमारी जो मैगजीन है वो क्या है, वो साल में कितनी बार छपती है, दो बार, ठीक है, एक जून में और एक दिसंबर में, ठीक है, एक जून में और एक दिसंबर में, ठीक है। लेकिन इस स्कूल की जो मैगजीन है वो साल में कितनी बार छप रही है, क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है चार बार, कितनी बार छप रही है वो, चार बार। अब वो बोल रहे हैं कि इफ दे वांट टू प्रिंट इट एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर ऑफ द ईयर, मतलब जब भी चार महीने खत्म हो जाते हैं तो जब चौथा महीना खत्म होता है वो क्या करते हैं, उस मैगजीन को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो विच आर द मंथ्स फॉर द प्रिंटिंग, मार्क द नंबर फॉर दोज मंथ्स। अब वो बोल रहे हैं आपको ये जो 12 मंथ्स हैं इसमें मार्क करने हैं कि वो कब कब छपती होगी, बताओ। एक तो क्वार्टरली छपती है, क्वार्टर का मतलब क्वार्टर का मतलब वो कितने कितनी बार छप रही है महीने साल में, चार बार, तो कब छपेगी सबसे पहले वो, दो तीन, तीन, वेरी गुड, तीन, फिर छः, नौ, बारह, हो गए चार बार। अब देखो स्लीपिंग ब्यूटी, हैव यू हर्ड अबाउट कुंभकर्ण, कुंभकर्ण के बारे में आपने सुना है, yes, कौन था कुंभकर्ण, रावण का भाई, रावण का भाई, और क्या करता था, छह महीने खाता था, छह महीने सोता था। द ब्रदर ऑफ द रावणा, ही इज फेमस फॉर स्लीपिंग फॉर हाफ अ ईयर, मोस्ट पीपल स्लीप अबाउट 8 आवर्स अ डे, जो ज्यादातर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक दिन में कितने घंटे सोते हैं, 8 घंटे, ठीक है। तो देन व्हाट पार्ट ऑफ अ डे इज इट, 8 घंटे मतलब 24 घंटे में कितना वहां पार्ट है, 8 घंटा पहला 24 का कितना पार्ट होगा, 8 8 24 का तीसरा, वेरी गुड, तो क्या हो गया 1/3। सो व्हाट पार्ट ऑफ अ ईयर डू दे स्लीप, सो व्हाट पार्ट ऑफ अ ईयर डू दे स्लीप, मतलब अब वो बोल रहे हैं कि वो 8 घंटे सोते हैं, कब, 8 घंटे एक दिन में सोते हैं, तो व्हाट पार्ट ऑफ ईयर डू दे स्लीप, अ पर्सन 60 इयर्स ओल्ड मस्ट हैव स्लेप्ट फॉर डैश इयर्स। अब आपको करना क्या है, अब आपके लिए एक पजल है, ये पजल आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। अब वो बोल रहे कि अगर एक आदमी एक दिन में 8 घंटे सोता है तो साल भर में कितना सोता होगा वो, एक दिन किस, क्या करना पड़ेगा, गुणा किसको, किससे, 60 को 8 से, 60 तो बाद में आएगा ना, अभी तो हम एक साल की बात कर रहे हैं, एक साल एक दिन में वो 8 घंटे सोता है तो एक साल में कितने घंटे सोएगा वो, एक साल में, एक साल में कितने दिन होते, एक साल में 365, हाँ तो 365 से गुणा करने पड़ेगा किसको, 8 को, 365 से 8 कर को गुणा करके क्या पता चलेगा, घंटों का पता चल जाएगा, ठीक है, क्लियर है, यस सर। इसको आप करोगे फिर आप बताओगे कि एक साल के कितने में हिस्से में वो सिर्फ सो ही रहे हैं, ठीक है, इसको करोगे एक, और फिर ये बताओगे एक अगर 60 साल का आदमी है तो वो कितने साल सो ही रहा है, ठीक है, ये आपको करना है, क्लियर है, यस सर। जी पजल कुछ समझ में आई, यस सर, ठीक है। 365 से आप 8 को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 1/3 हिस्से में वो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, दिन को अगर हम तीन हिस्सों में बांट दें, अगर हम इसकी बात कर लें डे में, तो अगर हम एक डे में अगर तीन हिस्से हैं तो उसके एक हिस्से में वो क्या कर रहा है, सो रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि व्हाट पार्ट ऑफ ईयर डू दे स्लीप, अब एक साल में कितने महीने हैं, एक साल में 12 मंथ्स हैं, ठीक हो गया, तो 12 मंथ्स में अगर तीन में से वो एक हिस्से में सो रहा है तो 12 मंथ्स में से कितने में सोएगा वो, चार, 3/4 कितना होता है, 12, तो 1/4 भी कितना होता है, 4, तो 12 में से इसका मतलब वो 4 मंथ्स में क्या करता है, सोता है। अब बात कर रहे हैं वो ईयर्स की, अब माना वो 60 ईयर्स क्या करते हैं, अगर माना वो आदमी 60 साल जीता है तो 60 साल में, अब देखो माना कोई आदमी दिन के तीन हिस्सों में से एक हिस्से में सोता है, या 12 महीनों में 4 महीने सोता है, या 60 सालों में कितने साल सोएगा, बताओ, 60 सालों में 20, अब देखो, हाँ 12 पंजे 60 और 4 पंजे 20, तो इसका मतलब 20 इयर्स क्या कर रहा है वो, सो ही रहा है, कितना आएगा इसका आंसर, 20, ठीक हो गया। तो 20 ईयर्स मतलब एक जो नॉर्मल आदमी है, मतलब हम जैसे लोग जो 8 घंटे सो रहे हैं, वो मतलब अगर 60 साल भी अगर हम जिए तो 60 साल में से हम 20 साल क्या कर रहे हैं, सिर्फ सो ही रहे हैं।
तो सोचो आप कितना हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं।